हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रतूरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का हम सिलेबस कर रहे थे, जिसमें हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उठाई थी। सो ऑलमोस्ट हमने सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ लिया है, कुछ 2-3 थिंकर हमारे अब रह जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रॉल्स के बारे में। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, सो जॉन रॉल्स, देखो जॉन रॉल्स का जो बर्थ है वो 21 फरवरी 1921 को अमेरिका में हुआ था। रॉल्स जो थे वो एक बहुत ही ब्रिलियंट इंडिविजुअल हुआ करते थे। उन्होंने 1951 में लिखना शुरू किया और उनका जो था सब्सटैंटिव रूप से सबसे पहले जो विचार है वो जस्टिस के रूप में ही सबसे पहले 1957 में पब्लिश हुआ। ठीक है, तो इसी थॉट को आगे जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के बेस के रूप में सबसे ज़्यादा मान्यता दी। सो उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक थी वो क्या थी? अ थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि कब पब्लिश हुई थी? 1971 में। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि उत्तम समाज यानी कि गुड सोसाइटी में बहुत सारे सद्गुण होते हैं जिनमें न्याय का जो जगह होती है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जो न्याय होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो न्याय जो है वो गुड सोसाइटी की सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन होती है, लेकिन ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस। देखो रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस की जो प्रॉब्लम है वो प्राइमरी गुड्स के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम से होती है। सो ये जो प्राथमिक वस्तु होती हैं, ये जो प्राइमरी गुड्स होती है वो क्या क्या होती है? राइट्स, फ्रीडम या पावर एंड अपॉर्चुनिटी, इनकम एंड वेल्थ, और इसी के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिसोर्सेज। तो ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी गुड्स। सो रॉल्स ने अपनी जस्टिस थ्योरी को प्योर प्रोसीड्यूरल माना है, ऑल्दो उसने इसके थ्रू सब्सटैंटिव जस्टिस की भी स्थापना करने की कोशिश की। सो प्रोसीड्यूरल जस्टिस से क्या यहाँ पे देखने को मिलता है कि न्याय के जो सिद्धांत कंसेंट से एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, कंसेंट यानी कि सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, उनके इस्तेमाल के साथ ही जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम अस्तित्व में आएगा वो न्यायपूर्ण होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के सोशियो जस्टिस की थियरी। देखो न्याय की अवधारणा जब सामने आती है, इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसे माना जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसे ही माना जाता है। रॉल्स की एक बुक थी जो कि मैंने आपको अभी बताया, अ थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि कब पब्लिश हुई? 1971 में अमेरिका में ये पब्लिश हुई थी। जॉन रॉल्स इस बुक को जब दिखा रहे थे, जब बता रहे थे इसके बारे में, तो उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का खंडन यहाँ पर किया। ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को जॉन रॉल्स ने सबसे ज़्यादा सेंटर में रखना चाहा। रॉल्स के अकॉर्डिंग सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से उन्होंने दुखी लोगों के बारे में यहाँ पर वो ज़्यादा सोच रहे थे कि उन्हें या इक्विटी को सपोर्ट कर रहे थे वो। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे रॉल्स ने किस तरीके की तर्क प्रणाली यहाँ पे यूज़ किया। देखो जस्टिस के बारे में जब हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, जब इसके प्रोसेस को डिटरमाइन करने के लिए रॉल्स ने एक बहुत ही खास तरीके की तर्क प्रणाली का सहारा लिया। रॉल्स ने ये इमेजिन किया है कि अगर इंडिविजुअल्स को उनकी प्रेजेंस सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन से अलग कर दिया जाए और सोसाइटी में जितने भी भेदभाव होते हैं उसके ज्ञान से भी हटा दिया जाए, यानी किसी को कुछ पता ही ना हो, तो वो जिस तरह समाज में अपने इंटरेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए सामाजिक जीवन के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उसका जो रिकंस्ट्रक्शन वो किस तरीके से करेंगे, तो इस इमेजिनेशन को रॉल्स ने ओरिजिनल पोजीशन कहा है। देखो मूल स्थिति के बारे में बताते हुए रॉल्स ने ये कल्पना की है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे बैठे हैं। व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान के पर्दे के पीछे। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक काल्पनिक स्थिति है, यूटोपियन एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें ह्यूमंस अपनी अपनी ज़रूरतें, अपने अपने इंटरेस्ट, क्या 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 योग्यताएं हैं, हमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या पोटेंशियल है, जितने भी चीज़ें जो ह्यूमंस धीरे धीरे अपने अंदर पहचान पाता है वो इन सभी से बेखबर होते हैं। ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो अज्ञान के पर्दे के पीछे ह्यूमंस पर कुछ लिमिटेशंस भी होती, कुछ प्रोहिबिशंस होते हैं जो मोरालिटी के थॉट के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या रहता है कि हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें कब क्या चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है, हम बहुत भोले रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो भी एकदम उसे नहीं पता होता अपना अच्छा बुरा, वो सिर्फ हर चीज़ से अनजान रहता है, ना उसके अंदर कोई छल होता है। ठीक है, तो ये सब किस चीज़ से जुड़े रहते हैं? मोरालिटी के विचार से। तो रॉल्स ने इस मूल स्थिति में जिन ह्यूमंस की कल्पना की है वो किस तरीके के विवेकशील हैं,
जो जस्टिस के रूल्स को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि इसमें जो सहमति है ये सभी चीज़ से जुड़ी हुई है, ठीक है, सबकी सहमति। सो जॉनर्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि सब लोग जस्टिस के रूल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट वो क्या बताते हैं कि इक्वल लिबर्टी की यहाँ पे बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसको डिटेल और लिबर्टी का ऐसा समान अधिकार मिलना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही लिबर्टी के साथ निभ सकता हो। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट थ्योरी। देखो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है, रिजर्वेशन चलता है, एससी एसटी ओबीसी को अलग रहता है, जनरल का कोई रहता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है वो उन्हें मिल जाती है, एससी एसटी ओबीसी जो भी माइनॉरिटीज़ इनको। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें इसलिए मिलती है ये सब क्योंकि इन लोगों को आगे बढ़ने दिया नहीं जाता, इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो जॉन रॉल्स का भी यही मानना है कि हर एक चाहे किसी भी पोजीशन में हो इन्हें सभी तरीके की, यानी कि इनको इनकी जो हालत है वो जनरल वालों से बुरी है, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, ठीक है, भले ही इससे किसी का भी नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा सुविधाएं जो इन्हें देनी चाहिए। सिंपली यहाँ पे जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चलता है इंडिया में, जो चल रहा है एससी एससी ओबीटी, जो इन्हें फ़ायदा दिया जाता है रिजर्वेशन के थ्रू, कट ऑफ्स के थ्रू, तो ये इसी चीज़ के सपोर्ट कर रहे हैं जॉन रॉल्स, ठीक है। तो ये इनकी नज़रों में क्या है, जस्टिस। सो जॉन रॉल्स का क्या मानना था कि सोशल लाइफ को जो व्यक्तिगत लेन देन का जोड़ नहीं माना जा सकता, ये एक म्यूचुअल कंसेंट का एक एरिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो कम टैलेंटेड लोगों के साथ मिलकर ही अपनी प्रतिभा और अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म पर बात कर लेंगे। सबसे पहले जो मार्क्सवादी थे उन्होंने क्या कहा है कि आर्थिक और सामाजिक फैक्ट्स की जानकारी के बिना न्याय के सिद्धांत डिटरमाइन करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि आपको उनके अकॉर्डिंग क्या था कि आपको आर्थिक और सामाजिक फैक्ट्स की जानकारी ठीक से नहीं है, इसके अलावा ही आपने अपनी इमेजिनरी थ्योरी रख दी है। नेक्स्ट कलेक्टिविस्ट। कलेक्टिविस्ट का यहाँ पे बेसिकली क्या मानना है, वो क्या कहते हैं कि जो जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरी इन्होंने दी है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही दिखा रहा है, किस तरीके, जिसमें क्या माना जाता है कि जो अमीर लोगों को पैसा एक्युमुलेट करने की जो फ्रीडम पाने पर जो गरीब लोग होते हैं उन्हें ही फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा किसका मानना है, कलेक्टिविस्ट का। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया हो। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं। ओके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सजेशन आपका रहता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।